खम्मा घनीसा, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मारवाड़ की शादियों में पीटी किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से चढ़ाई जाती है और किस तरह से उतारी जाती है। पुराने जमाने में जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप और ब्यूटी पार्लर का इतना चलन नहीं होता था, उस वक्त दुल्हा और दुल्हन के पीटी लगाने की एक परंपरा थी। इस तरह की परंपरा का मुख्य फायदा ये है कि समय के साथ आपके स्किन में डेड स्किन सेल्स जमा हो जाती हैं। वो पीटी आपके डेड स्किन सेल्स निकालने में मदद करता है, आपके स्किन में एक नेचुरल वाइटनिंग आ जाती है और आपके स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाता है। इसी कारण से इतनी सालों पुरानी परंपरा आज भी चल रही है। तो आइए जानते हैं पारंपरिक तौर से मारवाड़ में पीटी किस तरह से बनाई जाती है। पीटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में हमें एक टेबलस्पून मैदा डालना है। मैदा का ये फायदा है कि आपके स्किन में जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं और आपके स्किन के ऊपर जो लाइट हेयर है वो भी आसानी से निकल जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी हमें सिर्फ 1/4 टीस्पून लेनी है। हल्दी की वजह से स्किन में नेचुरल ग्लो आ जाता है और एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है हल्दी हमारे स्किन के लिए, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। अभी नेक्स्ट हम इसमें मिला रहे हैं 1/2 टेबल स्पून घी। घी आपके स्किन पर एक मॉइस्चराइजर का काम करेगा, इससे स्किन पे एक अलग एक चमक आ जाती है। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप इसमें घी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, या अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो आप इसे घी थोड़ा कम इस्तेमाल करें। तो हम तीनों को अभी अच्छे से मिला लेते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। इस पॉइंट पे मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमने मिश्रण बनाया है ये हमने एक हाथ के लिए बनाया है, कि एक हाथ पे अप्लाई हो सकता है। आप अपने आवश्यकता अनुसार ये मिश्रण कम या ज्यादा बना सकते हैं। आपको लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये जो प्रोपोर्शन है हल्दी, मैदा और घी का, ये आपको एकदम बराबर रखना है। जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको रेशियो मेंटेन रखना है। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी एक साथ में ज्यादा ऐड नहीं करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक बार पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबल स्पून। इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया है हमने। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये आपको भी अपने पीटी में इसी तरह की कंसिस्टेंसी लेके आनी है। आप ये देख लीजिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि अगर आपकी पीटी ज़्यादा गीली हो जाएगी तो ये सूखने में ज़्यादा वक्त लेगी और फिर स्किन के ऊपर से निकालने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर आप चाहो तो आप इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। शादियों में गुलाब जल ऐड किया जाता है पीटी बनाते समय, पर ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब मैं आपको बताती हूँ इस पीटी को अप्लाई किस तरह से करना है। पीटी लगाने के लिए अपने दूसरे हाथ में थोड़ी सी पीटी ले लीजिए और जिस हाथ में आपको अप्लाई करना है या जिस पार्ट में आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आपको धीरे धीरे इस तरीके से पीटी लगानी है। आप इसी तरीके से अपने पूरे हाथों में पीटी लगा सकते हैं। इसे आपको अराउंड 2 से 3 मिनट तक सूखने देना है। सूखने के बाद ये आसानी से निकल जाएगी। मैं आपको ये थोड़ा सा ही अप्लाई करके बता रही हूँ। आपको अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है तो आप उस हिसाब से उस रेशियो से पीटी बना सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी देख सकते हैं कि मैंने पीटी का कितना मोटा लेयर अपने हाथों में लगाया है। उसी तरीके से आप अपने हैंड्स पे लगा लीजिएगा और इसे 2 से 3 मिनट आपको अभी सूखने देना है। पीटी लगाए हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पीटी काफी जगहों से सूख चुकी है। अभी हम इसे निकालने का प्रोसेस बताते हैं। इसे आपको आपके बाल के ग्रोथ के ऑपोजिट साइड में निकालना है, इस तरीके से, जिससे कि आपके जो बॉडी पे जो लाइट हेयर आए हुए हैं, थिन हेयर होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से रब करने से जो आपके स्किन के पोर्स में जो भी डर्ट जमा हो जाती है वो आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये पूरा निकल गया है, क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया था। घी ऐड करने की वजह से ये स्किन के ऊपर से आसानी से निकल जाती है। आप देख सकते हैं मेरे दूसरे हाथों में पूरी पीटी आ गई है और इस पीटी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये चेंज होने का कारण ये है, स्किन के पोर्स में जो भी डर्ट जमा हो गई थी वो आपके पीटी में आ चुकी है। अभी आप इसे वॉश कर सकते हैं, आप नॉर्मल पानी से, नहीं तो लूप वॉर्म वाटर से आप इसे वॉश कर सकते हैं। हमने अपना हाथ वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में थोड़ा कलर डिफरेंस दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा लाइट है, जिसमें मैंने पीटी लगाई है उसमें साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें थोड़ा कलर डिफरेंस आ गया है। इसका स्किन टोन भी थोड़ा इवन हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर स्किन टोन भी इवन हो गई है।
देखिए दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। इसी तरीके से आप ये पीटी बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्किन पर लगा सकते हैं और इसका विजिबल डिफरेंस आपके स्किन पर 1 महीने में दिखाई देने लग जाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्किन पर ग्लो लाने के लिए एक घरेलू और बहुत ही सरल उपाय। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए खमंगनी।